दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं लाया हूँ आपको एक न्यू फ़ोन। इसका रिव्यू है तो मैं इसके आपको बता देता हूँ एक फ़ोन मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एक हफ्ते के अंदर मैंने ये परचेज़ किया है, इन्फिनिक्स हॉट 11S। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है 10,500 का। तो मैंने सोचा कि कुछ इस बार बजट फ़ोन लिया जाए। तो दोस्तों, इस फ़ोन को ये देखिए, इस टाइप का फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन, काफ़ी पसंद आया। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसके में आपको G80 का प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। प्रोसेसर 7.8 की FHD डिस्प्ले है इसकी, बहुत अच्छा है। स्क्रीन काफ़ी बड़ा है और आप देखेंगे दोनों साइड स्पीकर भी दिया हुआ है इसका। बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास में अगर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास फ़ोन नहीं है, तो अगर जैसे कि 10,000 तक का बजट है तो ऐसा कुछ स्मार्टफोन ले सकते हैं। इसका जो कैमरा है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है और इसका जो जो स्क्रीन है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथ स्क्रीन है। इसमें आपका वेरिएंट मिला है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड। मेन कैमरा है जो इसका वो 50 MP का है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। अब ज़्यादा बॉक्स में कुछ नहीं है, बाकी आपका एक ऐसा सिम ट्रे टूल ये ओपन वाला मिलेगा और इसके साथ में एक आपको कुछ ऐसा कुछ एक कार्ड मिलेगा, ये इस टाइप में डॉलर का कुछ ऐसा है। लेकिन मैंने इसका बैक कवर, फ्लिप कवर भी मैंने परचेस कर लिया, ये था ना, टेम्पर्ड ग्लास भी मैंने यूज़ कर लिया, इसमें लगा दिया है इस टाइप में और ये बंद इस टाइप में, चाहे फ़ोन गिरे कुछ भी हो तो मुझे दिक्कत नहीं, बट ये ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम करेगा। ये देखिए, सॉन्ग प्ले कर देगा ना, आपको आवाज़ देखना कैसी आई है। ये देखो दोस्तों, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में हाई वॉल्यूम है, यहाँ से भी आवाज है, पर मेरी बात एक दिन आपको सच्ची लगेगी, यहाँ से भी आवाज है, कितने भी रुपए जोड़ लो यहाँ भी आवाज है, वो काम आने वाले नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी है। में EMI में भी परचेस कर सकते हैं इजीली। EMI में अगर कैसे परचेस करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आप EMI में कैसे लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना पड़ेगा, EMI में कैसे लेना पड़ेगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो मुझे बताना दोस्तों, अगर मैं कुछ और जानकारी चाहिए हो तो थोड़ा हेल्प कर सकूँ। तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। तो दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर मुझे थोड़ा सा वो और नए नए तरह का वीडियो लाता रहूँगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।